नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि सनेश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि सनेश्चरम। ये शनि देव का पुराणोक्त मंत्र है। जो लोग नित्य श्रद्धा पूर्वक शनि देव के इस मंत्र का 108 बार जप करते हैं, शनि देव उनके जीवन में सदैव हर प्रकार की खुशियां देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। हाँ, आपकी रसोई ही है जो रूठे हुए शनि को मना सकती है, आपको शनि की कृपा दिला सकती है आपकी रसोई। ऐसा क्या है आपकी रसोई में जो शनि को बेहद प्रिय है और जिनसे 25 छोटे छोटे बेहद आसान उपाय आप घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं, यही बताएंगे आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। साथ ही साथ यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि है 01204602503 और 4602504। आप हमारे डायरेक्ट कॉलर भी बन सकते हैं, इसके लिए आपको अपना सवाल रिकॉर्ड कराना होगा हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके। क्या है इसका तरीका देखिएगा कालचक्र में। और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। चौबीस अगस्त 2013 दिन शनिवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात 2:29 तक, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 11:04 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 से 10:30 तक। आज रात 8:33 पर चंद्रमा का उदय होगा। आज रात गणेश चतुर्थी के अवसर पर चंद्रोदय रात 8:33 पर होगा। आज रिक्ता तिथि होने के कारण किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। अपनी रसोई से हम अपने घर वालों को तो मना सकते हैं अच्छा भोजन तैयार करके, लेकिन रूठे हुए शनि को कैसे मना सकते हैं आइए जानते हैं। पंडित जी कैसे ये संभव है? घर वालों को तो हम भोजन बना के अच्छा अच्छा व्यंजन बना के मना सकते हैं रसोई के जरिए, लेकिन शनि कैसे मानेंगे? ओम सन्नो देवीर्भिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रविश्रवन्तु नः। शनि के संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, शनि से खाद्य पदार्थ जो संबंधित होता है, उन चीजों का हम अपने रसोई में उपयोग करके और उससे शनि देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे शनि के उपयोग में आने वाली वस्तुएं सरसों का तेल, काली उड़द, काले तिल, कमलगट्टा, ये सब चीजें शनि देव के प्रयोग में आने वाली चीजें हैं। इन चीजों का प्रयोग करके निश्चित रूप से हम शनि के शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। रसोई में इन वस्तुओं को रख करके भी हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यानी कि देखा जाए हमारी रसोई में वो चीजें मौजूद हैं जो शनि को प्रसन्न कर सकती हैं। कौन सी है वो चीजें? कुछ चीजों का जिक्र तो पंडित जी ने कर दिया है, आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे मनाए शनि को अपनी रसोई के जरिए। पंडित जी बताइए। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहली चीज आपकी रसोई में है काला चना। काला चना शनि को प्रसन्न करने का एक ब्रह्मास्त्र उपाय है। शुक्रवार की रात को 3 अलग अलग बर्तन में 1.25 किलो चने आप भिगो दीजिए। सुबह होने पर जब वो चने भीगने के बाद अंकुरित होने की अवस्था में पहुंच जाएं, तो शनिवार को सरसों के तेल में काले चने पकाएं और शनि देव को भोग लगाएं। पहले बर्तन में रखा हुआ 1.25 किलो काला चना काली भैंस को खिलाना चाहिए। दूसरे बर्तन में रखा 1.25 किलो चना कुष्ठ रोगियों को बांटना चाहिए और तीसरे बर्तन में रखा हुआ 1.25 किलो काला चना अपने सिर से उतार करके किसी वीरान जगह पर रख करके आना चाहिए। धन लाभ के लिए शनिवार को गेहूं पिसवाइए और उसमें थोड़े से काले चने आप मिलवाइए। काले चने मिलवा करके यदि शनिवार को आप गेहूं का आटा बनवाते हैं तो इससे दरिद्रता दूर होती है, परिवार में सुमति का वातावरण बनता है और हर प्रकार की देनदारी से मुक्ति मिलती है और घर में किसी प्रकार का कलह नहीं होता है। तो ये तो हमारे सभी दर्शकों को चाहिए कि आप आटा खाते हैं तो आटे को आप शनिवार को ही पिसवाएं और गेहूं जब आटे के लिए आप भेज रहे हों
पिसने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा काला चना आप जरूर मिला दें। ऐसा करने पे घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। तो यदि आपको है काले चने पसंद और आप घर में रखते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद है। काले चने के बारे में तो पंडित जी ने बता दिया। रसोई में तो दालें भी होती हैं, लेकिन एक दाल ऐसी है जिससे शनिवार को कुछ खास उपाय करने से शनि के बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। कौन सी है ये दाल, जानेंगे पंडित जी से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर रहे हैं दैनिक राशि फल का, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है, क्योंकि आज आपके धन प्राप्ति का योग बन रहा है। आज आप सहजता से बहुत कम परिश्रम करके भी धन प्राप्त करेंगे। मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी और पूर्ण रूपेण आत्मविश्वास से आप लवरेज रहेंगे। वाहन का योग बन रहा है, यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो वो योजना आपकी साकार होने वाली है। सरकार से आपको लाभ प्राप्त होगा। शासन में उच्च पदस्थ लोगों के द्वारा आपके कार्यों में सहयोग प्राप्त होगा, जिससे निश्चित रूप से आपके जीवन को सुख और समृद्धि मिलने में सहायता प्राप्त होगी। आज आपको चाहिए कि मंगल स्त्रोत का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। मऊ से एक दर्शक जुड़ गए हैं, मिश्री जी स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए मिश्री जी, अपनी उम्र बताकर सवाल करिए। हेलो जी, टीवी से थोड़ा दूर होकर बैठिए। चलिए आप हमारी बात नहीं सुन रहे। छत्तीसगढ़ से एक दर्शक जुड़ गए हैं, मनोज जी स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी है मनोज जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 5/9/1964 है पंडित जी। जी जी। और मेरी एक लड़की है, उसका डेट ऑफ बर्थ 17/4/2003 है जी। और वो जन्म से ही थोड़ा डिसेबल है, वो काफी रोगग्रस्त रहती है जी। तो उसके लिए कोई उपाय हो तो बताएं। देखिए मैं बताना चाहूंगा मनोज जी, आपने अपने कन्या के स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रश्न किया है, तो आपके प्रश्न लग्न से पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में विराजमान है, और कन्या भाव से आपके छठे भाव का स्वामी शुक्र नीच का होकर के कन्या राशि में विराजमान है। इसलिए इसका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है। हर समय रोग की स्थिति इसके शरीर में बनी हुई है। यद्यपि इसका 11वां वर्ष चल रहा है, लेकिन इसका शारीरिक विकास 6 से 7 वर्ष के बच्चों जैसा है। आपको चाहिए कि दुर्गा सप्तशती का 9 पाठ संपुटित सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। शुक्रवार के दिन नवचंडी पाठ का आयोजन करिए और नवार्ण मंत्र से 10 माला कम से कम हवन कराइए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए। इससे आप देखेंगे कि इसके स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति बनेगी। बढ़ रहे इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातक सुबह से ही बहुत चैतन्य रहेंगे, क्योंकि आज आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य आपका बिल्कुल अनुकूल होगा। आज आपको परोपकार के अवसर भी मिलेंगे और आप बड़े उत्साह में आकर के लोगों की भलाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कम प्रयास पर ही आपका रुका हुआ धन आज के दिन आपको प्राप्त होगा। संतान का सुख आप प्राप्त करेंगे और संतान का सानिध्य भी बनेगा। मैं बताना चाहूंगा कि आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बात करते हैं हमारे सबसे पहले स्पेशल कॉलर, रिकॉर्डेड कॉलर की, जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली भाग्यश्री है। इन्होंने अपना सवाल हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके रिकॉर्ड कराया था। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल, उसके बाद पंडित से जानेंगे इनकी समस्या का समाधान। मेरा नाम है भाग्यश्री ताम्रकार और मेरे भाई का नाम है आशुतोष ताम्रकार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/11/1997 और मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 6/1/2000। हम पूछना चाहते हैं कि हम मतलब मेरे भाई का मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगता है, तो मैं चाहती हूँ कि उसका मन पढ़ाई में ठीक से लगे और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा मन भी पढ़ाई में ठीक से लगे। देखिए आपके पढ़ाई का जहाँ तक प्रश्न है, तो आपका विद्या भाव से मंगल, लग्ने से बृहस्पति। मंगल आपका नीच का होकर के कर्क राशि में बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि आपका पढ़ाई में सचमुच में मन नहीं लग रहा है।
तो आप अगर चाहती हैं कि आपका पढ़ाई में मन लगे तो लाल रेशमी कपड़े में 21 मसूर के दाने मंगलवार को सिल करके आप अपने पढ़ाई वाली बैग में डालने की कोशिश कीजिए और उसे सदैव अपने कॉपी किताब के साथ सुरक्षित रखिए। निश्चित रूप से पढ़ाई के प्रति आपके मन में आकर्षण पैदा होगा और आप परिश्रम करेंगे। जहाँ तक आपने अपने भाई के संदर्भ में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में तो मैं यही बताना चाहूँगा कि भाई से कहिए कि वो पढ़ाई में मेहनत करे, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करे, इससे पढ़ाई में उसे सफलता का योग बनेगा। आइए इसी के साथ रुक करें अगली राशि का। अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों के जीवन में सारी परिस्थितियां उनके अनुकूल रहेंगी। लोगों का एकाएक सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखेगा जिससे आपके साहस में वृद्धि होगी, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और अंदर से आज आप अपने आप को बहुत संतुष्ट पाएंगे। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपका सम्मान करेंगे और कारोबार से आज आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि आज आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, जय मां विंध्यवासिनी। काली तो काली मिर्च भी होती है, होती बहुत मामूली सी है लेकिन शनि की टेढ़ी नजर से बचा सकती है, मगर कैसे जानेंगे बनिए से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के आज के राशि फल की। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज अगर कर्क राशि के जातकों का ग्रह गोचर देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अनुकूलता दिखाई दे रही है। यद्यपि आपके राशि पर शनि की ढैया चल रही है फिर भी आज का दिन आपके लिए मंगल कारक है। आमदनी के नए साधन आपको मिलेंगे, आय स्रोत आपका बनेगा, परिवार का सुख प्राप्त होगा और परिवार में आपको विशेष सम्मान की प्राप्ति होगी। परोपकार के आपको अवसर मिलेंगे और आज के दिन आप नए धार्मिक कार्यों की शुरुआत करेंगे। आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें, जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी हमें बता चुके हैं कि काले चने जो हैं शनि को बहुत पसंद है और छोटा सा उपाय पंडित जी ने हमें बताया है जिसे करके हम शनि की कुदृष्टि से अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और तमाम तरीके अपनाकर आइए जानते हैं पंडित जी और कौन सी चीजें हमारे रसोई में मौजूद है उन्हें मनाने के लिए। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हमारे किचन में हमारे रसोई में रहने वाली दूसरी चीज है वो है शनि देव की कृपा को प्राप्त कराने में मददगार उड़द की दाल, जिसको काली माँ भी बोलते हैं। शनि की 7:30 में हर शनिवार शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जला करके उड़द की दाल की खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। शनि के बुरे प्रभावों से जल्दी यदि मुक्ति पाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन से हर रोज किसी हनुमान मंदिर में एक दीपक में सरसों का तेल डाल करके उसमें 5 काली उड़द के साबुत दाने डाल करके और उसे आप जलाएं, प्रज्वलित करें। शनिवार को काली उड़द की दाल पीस करके उसके आटे की गोलियां बना करके अगर मछलियों को खिलाएं तो इससे भी शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। उड़द के दाल की कचौड़ियां या उड़द के दाल के बड़े बना करके और सरसों के तेल में तल करके उस पे नमक डाल करके यदि गरीबों को खिलाया जाए, मजदूरों को खिलाया जाए, जमादार को खिलाया जाए तो ऐसे में शनि देव की कृपा बनती है और 7:30 ढैया महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा का जो दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है वह समाप्त होता है। बात चल रही है अपनी रसोई की, अपनी रसोई से कैसे आप बना सकते हैं रूठे हुए शनि को। वही रसोई में रखी कुछ खास चीजें हैं जो शनि को बेहद प्रिय हैं और जो शनि के उपायों में इस्तेमाल भी होती है। उड़द की दाल, काले चने, इस बारे में तो पंडित जी ने हमें बता दिया लेकिन वो तीसरी चीज कौन सी है जिसे शनि मान जाएंगे अगर रूठ गए हैं तो, आइए जानते हैं पंडित जी। काले चने और उड़द की दाल के बाद अब क्या? देखिए, काले चने और उड़द की दाल के बारे में मैंने बताया और लगभग जब भी शनि से संबंधित कोई कार्यक्रम होता है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप काले चने का और काली उड़द का क्या इस्तेमाल और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब शनि को जो सबसे ज्यादा प्रिय चीज है वो है सरसों का तेल जो आपकी रसोई में है और शनि देव को बेहद प्रिय है, तो शनि की कृपा पाने के लिए हर रोज आप अपनी नाभि में सरसों का तेल जरूर लगाइए। अगर आप चाहते हैं कि शनि देव का अरिष्ट आपके ऊपर न हो, शनि एक मंदिर ग्रह है
और आपको पता है कि शनि जब लग्नेश होकर के छठे भाव में चले जाते हैं या छठे भाव में शनि देव जब बैठे होते हैं या सातवें घर में जब शनि देव बैठे होते हैं तो आदमी को कब्ज की बीमारी होती है, डाइजेशन सही नहीं होता, हाजमा सही नहीं होता, एसिडिटी और गैस ऐसी होती है कि जान निकाल लेती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो शनि का ये बुरा प्रभाव आपके मणिपूरक चक्र पर, आपके नाभि पर न पड़े। आप जानते हैं मेष और वृश्चिक राशि नाभि पर ही होती है और मेष राशि शनि की नीच राशि है, तो शनि अगर आपकी कुंडली में खराब है तो आपको एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। इस महारोग से बचने के लिए आपको चाहिए कि शनिवार को सरसों का तेल आप अपने नाभि में लगा लिया करें और आधा मिनट तक की ये क्रिया यदि आप कर लेते हैं तो आप कब्ज की बीमारी से मुक्त रहेंगे। शनिवार को पीपल के पेड़ पर 7 तरह का अनाज आपको चढ़ाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनि की 7:30 के दौरान हर शनिवार को सरसों के तेल से मालिश करके स्वयं गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। शनि की ढैया हो या 7:30, हर शनिवार को सोने से पहले आपको चाहिए कि अपने हाथ और पैर के नाखूनों पर, 20 नाखूनों पर सरसों का तेल जरूर लगाना चाहिए। यह आप करके देखिए, आप कम से कम साइटिका जैसी भयंकर बीमारियों से, बाल झड़ने जैसी बीमारियों से अपने आप को बचा पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए इसी के साथ रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं सिंह राशि की। जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज की सुबह आपके लिए सौगात लेकर आई है। आज आप जिस भी योजना में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपकी नई योजनाएं क्रियान्वित होंगी, आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा इसलिए कि आज भाग्य आपके पूरा पूरा साथ रहेगा। रिश्तेदारों से भी आपको सहयोग मिलेगा, रिश्तेदार भी आपके साथ वफादारी के साथ अपना फर्ज निभाएंगे। माता को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट मिल सकता है, यदि माँ आपकी वृद्ध हैं तो उनके स्वास्थ्य के प्रति आज आपको सचेत रहना चाहिए। हाँ, सूर्य को यदि आप अर्घ चढ़ाएं तो जीवन आपका और भी अच्छा हो सकता है। जय माँ विंध्यवासिनी। इसी के साथ बात करते हैं कन्या राशि की। जानते हैं वर्गोज की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज, पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए अधिक खर्च करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि आज आपका खर्च बढ़ा रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। 7:30 का प्रभाव होते हुए भी आज आप मन से, तन से बहुत अच्छा महसूस करेंगे। पढ़ाई के क्षेत्र में यदि आप विद्यार्थी हैं तो शनि देव कहीं आड़े नहीं आएंगे, अर्थात पढ़ाई के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और आपका मन उत्साह से भरा रहेगा। आपको चाहिए कि ओम बुंग उधाय नमः का जप करें। जय माँ विंध्यवासिनी। आप चल रही है रसोई से मनाने की शनि को, भाई रसोई से हमारे शनि शांत हो सकते हैं, शोहरत दिला सकते हैं रसोई से ही, और रसोई से ही मान सकते हैं रूठे हुए शनि, क्योंकि हमारी रसोई में रखा हुआ हर सामान, काफी सारा सामान ऐसा है जो शनि को बेहद प्रिय है और शनि की कृपा दिला सकता है। चलिए अब जानते हैं वो तीसरी चीज जिसके जरिए हम मना सकते हैं शनि को, वो भी हमारी रसोई में ही मौजूद है। पंडित जी कौन सी है वो तीसरी चीज? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपको बताया कि आप काले चने, उड़द की दाल और सरसों के तेल जो आपके रसोई में होते हैं, इन्हें आप प्रयोग करके किस तरह से शनि देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा काली मिर्च और लौंग के बारे में। इन दोनों से आप अपने जन्म कुंडली के खराब स्थिति के शनि के कुप्रभाव को दूर कर सकते हैं। अब आपको बताना चाहूंगा इसी क्रम में कि सबसे पहले शनि देव की कृपा पाने के लिए हर रोज सुबह खाली पेट एक काली मिर्च चबा करके गुड़ के साथ आप जरूर खाइए। ये प्रयोग अगर मैं कह रहा हूं तो इसको करके देखिएगा, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। भोजन में मिर्च अगर कम हो तो आप हरी मिर्च का यूज कम करें और काली मिर्च का सेवन जरूर करें। लौंग से भी रूठे हुए शनि मान जाते हैं, लौंग एक तरह से शनि देव का प्रिय वनस्पति है और शनि देव को लौंग बहुत ही पसंद है,
भोजन करने के बाद हर रोज आपको चाहिए कि एक लौंग जरूर खाएं। फिर देखिए साढ़े साती हो या ढैया, शनि की कृपा हमेशा आप पर रहेगी। और जानते हैं लग्न चंद्रिका में लिखा हुआ है नृपतिश चक्रवर्तिश्च रव्यादयी उच्च ग्रह, शनि अगर जन्म कुंडली में उच्च के हों तो चक्रवर्ती बनाते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में चक्रवर्ती शब्द केवल एक पर्याय बनकर रह गया है, अब राजा नहीं होते चक्रवर्ती बनने की बात नहीं है, लेकिन ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिसके भी जन्म कुंडली में आज भी अच्छे स्थान पर उच्च का शनि है, निश्चित रूप से राजा की तरह ही उसके पास वैभव है और उसके अगल बगल चारों तरफ उसके सेवकों की भरमार बनी रहती है और उसका जीवन जीना सार्थक होता है। आपको भी चाहिए कि शनि की कृपा प्राप्त करके आप अपने जीवन को धन्य बनाएं और शनि की कृपा पाने के लिए छोटे छोटे चीज काला चना, उड़द की दाल, सरसों का तेल, काली मिर्च और लौंग, ये सब चीजें आपको अपने किचन में स्टॉक करके रखना चाहिए। कम से कम 100-150 ग्राम इन चीजों को आपको अपने किचन में जरूर रखना चाहिए। इससे शनि देव की सदैव कृपा प्राप्त होती है, दरिद्रता कोसों कोस दूर तक आपके घर के निकट नहीं आएगी। एक दर्शक जुड़ गए हैं, रामकृष्ण जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। हाँ सदा सुखी रहिए। मेरी उम्र 47 है और मैं कम बनते बनते बिगड़ जाता आखिरी में जाकर। कुछ क्या जानना चाहते हैं रामकृष्ण जी? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा कोई भी काम बनता है बनते बनते आखिरी में बिगड़ जाता है और नौकरी के लिए कोशिश करता हूँ। चलिए, आपके दशम भाव का स्वामी चंद्रमा है, लग्नेश आपका शुक्र है, शुक्र नीच का होकर के वैभाव में बैठा हुआ है। ज्योतिष के सिद्धांतों की बात करें तो धनेशो ही व्यय संयोगाद फलदो मता, आपकी योजनाएं अधूरी हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए आप अपने जीविका के क्षेत्र में सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपको नित्य चाहिए कि आप दुर्गा जी का एक 8 अंगुल का चित्र लगा करके उसके सामने घी का दीपक प्रज्वलित करके दुर्गा चालीसा का नियम से पाठ करें और नवरात्र में किसी दुर्गा मंदिर में किसी देवी मंदिर में झंडा लगाएं और नारियल तोड़ें, इससे आपका भाग्योदय होगा और आप अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर पाएंगे। बादाम, गुड़, काले तिल और राई ये भी शनि को बहुत पसंद है। क्या शनिवार को शनि की कृपा पाने के लिए इनसे भी कुछ उपाय किए जा सकते हैं? जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में, लेकिन अभी बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के आज के राशि फल की। जानते हैं लिब्रंस के लिए कैसे आने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य निःसंदेह अच्छा रहेगा, आपके शरीर में एक अजब गजब की स्फूर्ति बनी रहेगी, शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, कम प्रयास करने पर भी आप सफल रहेंगे, वैवाहिक जीवन आपका निश्चित रूप से सुखी होगा। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में अब तक थोड़ी कटुता का वातावरण था तो अब ऐसी परिस्थिति निर्माण हो रही है कि आपके वैवाहिक जीवन में एक मधुर वातावरण निर्माण होगा, आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यद्यपि शनि की साढ़े साथी आपके ऊपर चल रही है और शनि राहु का योग आपकी कुंडली के लग्न भाव में है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यह उच्च का शनि आपको पीड़ा नहीं देने वाला है, आप निश्चिंत रहें, लेकिन आप दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। जय माँ विंध्यवासिनी। आइए बात करते हैं हमारी दूसरी डायरेक्ट कॉलर की, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली सुजाता है। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है, आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल, फिर पंडित जी बताएंगे इनकी समस्या का समाधान। मेरा नाम सुजाता है, मैं अपनी जिंदगी लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 मई 1959 और टाइम है रात के 8:58। मेरे जिंदगी में मेरे छोटे बेटे को लेकर बहुत समस्याएं हैं, वो कब तक दूर होगी? देखिए सुजाता जी, आपने जो प्रश्न किया है अपने छोटे पुत्र के विषय में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके भाग्य भाव का स्वामी मंगल इस समय नीच राशि में व्यय भाव में बैठा हुआ है, तो आपके पुत्र के जीविका के क्षेत्र में और इनके मान सम्मान के क्षेत्र में काफी कठिनाई और संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। आपको चाहिए कि आप
अनंत मूल की जड़ लाल कपड़े में सील करके मंगलवार को इनकी दाहिनी बांह पर आप बांध दीजिए और सिंदूर और चमेली का तेल इनको दीजिए और कहिए कि मंगलवार में किसी हनुमान मंदिर पर सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करें, चमेली के तेल का दिया जलाएं और लड्डू हनुमान जी को भोग लगाएं। यदि ऐसा सात मंगलवार करते हैं तो निश्चित रूप से इनसे जुड़ी हुई जो आपकी चिंता है सुजाता, विश्वास करो उस चिंता से आप मुक्त हो पाओगी। बढ़ते इसी के साथ वृश्चिक राशि की ओर, जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपके व्यवसाय में आज के दिन कुछ अवांछित कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। शासन सत्ता और कानूनी दांवपेच के उलझन में आज आप उलझ सकते हैं और आज आपको अकारण बहुत थकान महसूस होगी। आपके मन में एक तरह से निराशा का भाव भी उत्पन्न होगा। लेकिन यदि आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से आप शिक्षा के क्षेत्र में सफल रहेंगे। आज आपको चाहिए कि लक्ष्मी जी का मनन चिंतन करें, उनकी उपासना करें, ओम श्रीम श्री ऐ नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों के कार्य का विस्तार हो सकता है, अर्थात आज धनु राशि के जातक अपने साम्राज्य को एक तरह से कह लीजिए बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिसमें उन्हें सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट रहेगी कार्य की अधिकता से और खान पान के व्यतिक्रम होने के कारण। आज आप सही समय से खान पान नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण थोड़ी सी स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी। शत्रु प्रभावी रहेंगे। आपके दुश्मन अगर ये कहिए कि सो गए हैं तो सोए नहीं हैं, वो सक्रिय हैं। इसके लिए भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है और आपको संतान से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार जरूर प्राप्त होगा, संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। आज आपको चाहिए कि आप सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। गाजियाबाद से एक दर्शक जुड़ गई है, वीना जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर सवाल करें। हेलो मैडम जी। हाँ मैडम, मैं गाजियाबाद से वीना उपल बात कर रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/11/1979, दिन सैटरडे और टाइम है शाम के 4:25। एक्चुअली मैं उनके बारे में पूछना चाहती हूँ कि अभी तक हम लोगों की कोई संतान नहीं हुई है, 4 साल हो गए हमारी शादी को और मेरे भाई की शादी नहीं हो पा रही है, हम लोग बहुत परेशान हैं उनकी शादी की वजह से। बिना मैं बताना चाहूंगा बेटा कि आपने अपने संतान भाव के लिए प्रश्न पूछा है तो आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति, लग्नेश मंगल, मंगल और बृहस्पति दोनों की द्वितीय द्वादश दृष्टि से संबंध बन रहा है, तो ऐसे में संतान प्राप्त होने में काफी कठिनाई है। आपको चाहिए कि अमावस्या के दिन 8 ब्राह्मणों को अपने घर बुला करके भोजन करवाइए और उन्हें पीले वस्त्र आप दान कीजिए और अपने पति से कहिए कि घर से 8 कदम उन ब्राह्मणों को छोड़ने जाएं और 8 कदम जहां पर पूरा हो वहीं से प्रणाम करके अपने घर वापस आएं। ऐसा यदि 5 अमावस्या करेंगे तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा आपको उपचार का भी सहारा लेना चाहिए। आइए बात करते हैं बादाम, गुड़, काले तिल, राई और इसी तरह की चीजों की जो शनि को बहुत पसंद है। ये चीजें कैसे शनि को मना सकती हैं, कैसे इन्हें प्रसन्न कर सकती हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए इन चीजों के कमाल। देखिए आपको मैंने बताया कि काले चने का क्या प्रयोग है आपके जीवन में, उड़द की दाल क्या करेंगे आप, और सरसों का तेल हो या काली मिर्च, लौंग, इन सब चीजों को जो आपके किचन में रहने वाली चीजें हैं कहीं अलग से व्यवस्था नहीं करनी है, इन चीजों का प्रयोग करके आप शनि देव को, सूर्य पुत्र शनि देव को कैसे मना सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा बादाम, गुड़, काला तिल और राई, इससे भी शनि देव प्रसन्न हो सकते हैं और ये सारी चीजें आपके किचन में रहने वाली चीजें हैं। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी अमावस्या की रात को 8 बादाम और 8 काजल की डिब्बी काले कपड़े में बांध करके आप अपने संदूक में रखें और यह संदूक ऐसे जगह होनी चाहिए जहां सूरज की किरण न पहुंचती हो, अर्थात अंधेरे स्थान पर इसको रखना चाहिए। कुंडली में शनि ग्रह यदि कमजोर है तो आपको चाहिए कि शनिवार को काली चींटियों को गुड़ और आटा
खिलाना चाहिए। मैं अपने कार्यक्रम में आपको बताता हूँ कि काली चींटियाँ यदि आपके घर में दिखती हैं तो आपके सौभाग्य का उदय होगा, लेकिन लाल चींटियाँ यदि आपके घर में दिखती हैं तो आपके दुर्भाग्य का भी उदय होगा। इसलिए काली चींटियों को आप यदि ये सब चीजें खिलाते हैं तो निश्चित रूप से आपके सौभाग्य का जागरण होगा। शनि की कृपा पाने के लिए मकर संक्रांति पर अर्थात 14 जनवरी पर तिल और गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। अगर आप प्रयाग जैसे तीर्थ में स्नान कर पाते हैं, कहीं गंगा स्नान कर पाते हैं, वहां यह क्रिया आप करते हैं तो जिंदगी भर के लिए शनि देव आप पर कृपालु हो जाते हैं। शनि देव को तिल के तेल के दीपक से शनि देव की आरती करने से भी शनि देव प्रसन्न होते हैं। और सावन में काला तिल पानी में डाल करके यदि आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने का कार्यक्रम करते हैं तो शनि देव भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, उनकी कृपा अपने आप आपको प्राप्त होती है। शनि दोष के कारण विवाह में प्रतिबंध योग आता है, जो मैंने अपने जीवन के अनुभव में देखा है उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ। यदि शनि की कुंडली में प्रतिबंधक योग है स्थिति तो विवाह 45 वर्ष की उम्र तक नहीं होता, 50 वर्ष की उम्र तक नहीं होता, लाखों प्रयास करने पर सफलता नहीं मिलती है। तो आपको ऐसे में चाहिए कि 250 ग्राम राई काले कपड़े में बांध करके पीपल के पेड़ की जड़ में आप शनिवार को रख करके आ जाइए। निश्चित रूप से इससे भी प्रतिबंध दोष समाप्त होता है और विवाह शादी की रुकावटें दूर होती हैं। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले योगेश कश्यप। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है, आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? योगेश का जन्म 2 अक्टूबर 1992 को 4 बजे सायंकाल रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। योगेश की कुंडली का जो लग्नेश है, लग्न भाव का स्वामी है कुंभ का शनि, वो व्यय भाव में स्वराशिष्ट है। तो निश्चित रूप से आप मजदूरों के और काम करने वाले एक बड़े समूह के नेता बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। शुक्र तुला राशि में स्वग्रही होकर के अपने भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। भाग्य अनवरत आपका साथ देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहा करेंगी और आप जीवन में जब भी यात्रा करेंगे तो उससे लाभ प्राप्त करेंगे। एक बात बताना चाहूंगा आपको कि आपके छठे भाव का स्वामी बुध सूर्य और गुरु, आठवें भाव का स्वामी बुध सूर्य और गुरु के साथ उच्चस्थ होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जो आपके स्वास्थ्य को बिगड़ने का संकेत कर रहा है। चंद्रमा और राहु की स्थिति आपको मानसिक रोग दे सकता है और आपके मन में भ्रम पैदा कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए योगेश जी कि आप छोटा सा पारद शिवलिंग घर में रख करके और उसका नित्य अभिषेक किया करिए, और शिव कवच का पाठ यदि आप करते रहेंगे तो कभी आपको मानसिक भ्रम की बीमारी और हीमोग्लोबिन और एनीमिक होने की बीमारी आपको नहीं होगी। और किस चीज से मानेंगे शनि, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। चींटियों को शनिवार को आटा शक्कर और काले तिल मिला करके खिलाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं, और ये सारी चीजें आपके किचन में होती हैं। शहद से भरा हुआ मटका या बांसुरी में चीनी भर करके किसी वीरान जगह में दबा दें तो इससे भी शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। शनिवार को मूंगफली के तेल से शनि देव का यदि अभिषेक किया जाए तो यह भी शास्त्र सम्मत एक ऐसा मत है जिससे शनि देव प्रसन्न होते हैं। 7.5 या ढैया में परेशानियां कम होती हैं। कौओं को गुलाब जामुन खिलाने से शनि मंदिर में काले गुलाब जामुन का भोग लगाने से भी शनि देव प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए रुक करते हैं इसी के साथ अगली राशि का। अगली राशि है मकर राशि। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, माता का पूरा पूरा सानिध्य और सुख प्राप्त होगा। यदि आप विदेश में हैं तो वहां भी आपको अब माता का सानिध्य प्राप्त होने वाला है। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी, और शत्रुओं पर आप अपना झंडा फहरा पाएंगे अर्थात मुकदमे में आपकी विजय होगी। आपको चाहिए कि ओम संत सनश्चराय नमः का जप करें, जय मां विंध्यवासिनी।
कुंभ राशि की किस्मत के सितारे क्या कुछ कहते हैं आज, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सुबह से ही आप पूर्ण रूपेण चैतन्य अवस्था में सक्रिय रहेंगे। आपके परिवार की उन्नति होगी, परिवार के सदस्यों का मान सम्मान बढ़ेगा और धर्म के प्रति आपकी आस्था और गहरी होगी। विदेश से आपको लाभ प्राप्त होगा। विदेश से संबंधित व्यापार में आपको खुशी प्राप्त होगी। सफेद वस्तुओं का आपको आज दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं अंतिम राशि की, जो कि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों को अचानक, जिसकी आपको संभावना नहीं है, ऐसे धन के प्राप्ति का पूरा पूरा योग बन रहा है। विद्यार्थी यदि आप हैं तो आपको पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आप यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी। परिवार का पूरा पूरा सुख आपको प्राप्त होगा और दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय रहेगा। पत्नी का पूरा सहयोग आज के दिन आपको मिलेगा। आपको चाहिए कि केसर का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।